नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में वार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत 5 मार्च को होगी। बता दें कि परीक्षा 24 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस बार परीक्षा में 53,385 छात्र शामिल होंगे। परीक्षा के आयोजन के संबंध में विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन में सभी विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ने जारी अकादमिक कैलेंडर के अनुसार समय सारिणी जारी की है। विश्वविद्यालय के परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन के लिए कुल 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं 3 पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, दूसरी पाली सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और तीसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। बस्तर विश्वविद्यालय, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ होने वाली हैं और परीक्षाएं 5 मार्च से प्रारंभ होकर 24 अप्रैल तक 34 परीक्षा केंद्रों में संचालित होंगी। में सभी केंद्राध्यक्ष जो कि प्राचार्य होते हैं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के, महाविद्यालय के सभी प्राचार्यों की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बार शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 15,708 नियमित एवं 35,547। रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की माता आशा त्रिपाठी और पिता सुभाष त्रिपाठी भी मौजूद रहे। 13 नवंबर 2021 को मणिपुर में आतंकी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी और 6 वर्षीय पुत्र अबीर त्रिपाठी शहीद हो गए थे। वहीं भूतपूर्व सैनिक संगठन के सदस्यों द्वारा भी सलामी दी गई। मंच पर सेना की ओर से ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, ब्रिगेडियर आशीष दास उपस्थित रहे। सेना में भर्ती होंगे और अभी चल रही अग्निवीर की मुहिम में शामिल होकर अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। मैं वीर माता, वीर पिता और शहीद विप्लव के समस्त परिवार को हमारे प्रदेश के समस्त भूतपूर्व सैनिक और शहीद परिवार की तरफ से सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। ये वीर परिवार हमेशा शहीदों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। जय हिंद। थैंक यू सर। हमारे अपने रायगढ़ जिले के माटीपुत्र, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, रायगढ़ विधानसभा में जन जन के प्रिय विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी सर का हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और हम इस अवसर पर संबोधन हेतु उनसे सादर अनुरोध करते हैं। माननीय ओपी सर, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी अमर रहे, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी अमर रहे, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी अमर रहे। आज हमारे बीच में इस संवेदना के, इस इमोशन के क्षण में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय पिता
मेरे चाचा आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी, दीदी आशा जी, आदरणीय त्रिपाठी साहब जो विप्लव भाई के फादर इन लॉ है, हमारे बीच उपस्थित ब्रिगेडियर साहब, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल जी, एसपी साहब, यहां उपस्थित आदरणीय पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी, सभी सम्माननीय मंच, आज रायगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी जैसे शख्सियत हमारे रायगढ़ की जमीन पर पैदा हुए। अभी आदरणीय मां वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा, साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी, आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका, आगे बढ़ेंगे खबरों में। रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की माता आशा त्रिपाठी और पिता सुभाष त्रिपाठी भी मौजूद रहे। 13 नवंबर 2021 को मणिपुर में आतंकी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा त्रिपाठी और 6 वर्षीय पुत्र अबीर त्रिपाठी शहीद हो गए थे। वहीं भूतपूर्व सैनिक संगठन के सदस्यों द्वारा भी सलामी दी गई। मंच पर सेना की ओर से ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, ब्रिगेडियर आशीष दास उपस्थित रहे। अपने धन का, जमीन का, घर का, समय का, सबका दान करने के साथ साथ वो अपने प्राणों का भी दान कर सकता है, इसलिए इंसान देवत्व से भी ऊंचे धरातल को प्राप्त कर सकता है। पीढ़ियां, आज की हमारी पीढ़ी कर्नल विप्लव त्रिपाठी के देश के लिए योगदान को हमेशा याद करेगी। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी को हम सब याद कर रहे हैं, वो हमारे रायगढ़ के लिए महत्वपूर्ण थे, हैं और रहेंगे। अभी आदरणीय राजू मामा जी ने इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार की बात कही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं और इसकी योजना, बृहद योजना बनाकर स्थानीय स्तर पर हम ये सब काम कर लेंगे। और इसके अलावा हमारा रायगढ़ का जिला ग्रंथालय है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपनी ओर से रायगढ़ के आप लोगों के विधायक और प्रतिनिधि होने के नाते मैं मांग करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि जिला ग्रंथालय जो है उसका भी नामकरण शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के नाम पर किया जाए। वीर के लिए यहां पर जो भर्ती अभियान है उसे कराने का निर्णय हम सब लोगों ने लिया है। आप लगातार फॉर्म भरें, अभी एयरफोर्स के लिए
फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है 6 फरवरी से, और आर्मी के लिए भी यह जल्द ही चालू होने वाली है। सभी अग्निवीरों के लिए आप लोग अपना फॉर्म भरें, उनके लिए ट्रेनिंग का काम, प्रशिक्षण का काम जिला प्रशासन की ओर से डीएमएफ की राशि से और अन्य मदों से निःशुल्क कराई जाएगी। और सितंबर माह में यहाँ पे रायगढ़ में ही अग्निवीरों के भर्ती का कैंप आयोजित किया जाएगा शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की स्मृति में। आज आप सब लोग उपस्थित हुए, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। देश के वीर सपूत, भारत माँ के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद कर्नल विप्लव की प्रतिमा का अनावरण स्वयं के कर कमलों से करने की इच्छा जिन्होंने व्यक्त की थी, और आज इस गरिमामय अवसर पर स्वयं पधारकर रायगढ़ की भावनाओं का जिन्होंने सम्मान किया, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का हम प्रचंड तालियों से स्वागत करें, और पूरे सम्मान के साथ इस अवसर पर संबोधन हेतु हम उनसे अनुरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा, साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी, आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254903950177171 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज रायगढ़ की इस पावन भूमि में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी, आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, आप सभी जानते हैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के सुपुत्र हैं, शहीद विप्लव त्रिपाठी जी के पिता श्री सुभाष त्रिपाठी जी, माता श्रीमती आशा त्रिपाठी जी, उनके परिवार के समस्त सम्मान्य सदस्यगण, ब्रिगेडियर विवेक शर्मा जी, सभी आर्मी के पदाधिकारी, अग्रवाल जी, गुरपाल भल्ला जी, श्रीकांत सोमावार जी, और मंच में विराजमान सभी महानुभवगण, मैं करीब करीब सबका नाम जानता हूं, लेकिन क्षमा चाहूंगा। सम्माननीय मंच और आज के इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित
रायगढ़ के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहने, युवा के मित्रों, आज का ये दिन वास्तव में रायगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज कर्नल बिप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में बिप्लव त्रिपाठी जी के मूर्ति का अनावरण हम लोगों ने किया है। आप सब लोगों की उपस्थिति में और आज के इस अवसर में मैं बिप्लव त्रिपाठी को नमन करता हूं, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। रायगढ़ के इस सपूत की वीरता की कहानियां रगों में जोश भर देती है। कर्नल बिप्लव देशभक्ति और कर्तव्य परायणता के मिसाल थे। उन्होंने हर मोर्चे पर देश के दुश्मनों को सबक सिखाया। वे कभी थके नहीं, झुके नहीं, हारे नहीं, दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। कर्नल बिप्लव ऐसे शेर थे जिनका सामना करने में देश के दुश्मन घबराते थे, इसीलिए उन्हें आतंकवादियों ने एम्बुश में फंसाया और उन पर हमला किया। जब यह हमला हुआ तब कर्नल बिप्लव अपनी पत्नी अनुजा और 7 वर्षीय बच्चे अबीर के साथ थे। कर्नल बिप्लव के वाहन में आतंकवादियों ने दोनों तरफ से गोलियों की बौछार कर दी, तब भी कर्नल बिप्लव ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर की आखिरी गोली तक आतंकवादियों का मुकाबला किया। अंततः अपनी पत्नी अनुजा और अपने पुत्र अबीर के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे शहीद बिप्लव त्रिपाठी पर रायगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश को नाज है। और वो ऐसे परिवार से थे जिनकी 3 पीढ़ी देश सेवा में लगी हुई है। उनके दादा रायगढ़ के प्रथम सांसद थे, संविधान सभा के सदस्य थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आज भी जब उनकी 3री पीढ़ी है तो उनके भाई भी आज देश की सेवा में लगे हैं। तो ऐसे परिवार को आज इस अवसर पर उनके पिताजी, उनकी माताजी हैं, उनके और परिवार के सदस्य हैं, सबको हम नमन करते हैं। और उनके मामा जी ने यहाँ की कुछ आवश्यकताओं के विषय में कहा है। यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है और जिस स्टेडियम का नाम भी बिप्लव त्रिपाठी जी के नाम से नामकरण हुआ है, वही उनका आज मूर्ति का अनावरण भी किए हैं। और ये स्टेडियम आगे चल के अच्छा हो इसके लिए उनके मामा जी ने मांग किया है। आपके यहाँ के विधायक जो आज छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री हैं, पूरे छत्तीसगढ़ का खजाना का चाबी उनके पास है, तो दोनों मिलकर निश्चित रूप से इस स्टेडियम का कायाकल्प करेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा, साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी, आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039
501-771 पर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की माता साशा त्रिपाठी और पिता सुभाष त्रिपाठी भी मौजूद रहे। 13 नवंबर 2021 को मणिपुर में आतंकी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा त्रिपाठी और 6 वर्षीय पुत्र अभी त्रिपाठी शहीद हो गए थे। वहीं भूतपूर्व सैनिक संगठन के सदस्यों द्वारा भी उन्हें सलामी दी गई। आइए जोरदार तालियों में हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साई जी का प्रचंड तालियों से अभिवादन करें, उनका स्वागत करें और हम निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय शहीद परिवार के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। तालियों से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आज का ये गरिमापूर्ण अवसर जब शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से संपन्न हुआ है और अब आज के इस गरिमाशाली अवसर पर हम अपने राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान अर्पित करेंगे। आप सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम सब राष्ट्रगान में सम्मिलित होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
वंदे 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 जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।